बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडीसी की जानिब से जो स्टेट ऑफ द आर्ट यतीम बच्चों की रिहाइश का मरकज गुलिस्तान अली बन रहा है, जिसको आप लोग यतीम खाना शायद बोलते हैं, जहां हर यतीम बच्चे का अपना अलग रूम होगा, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, जिसकी बेसमेंट पूरी बनाई गई है, जिसके अंदर जिमनाजियम ये वो सब कुछ बन रहा है। मीर खुर्रम साहब बैठे हैं, इनके भाई मीर इरफान साहब जो फ्लोरिडा में मुकीम है, ये भी इनके भाई बैठे हैं, और कामरान साहब ये जो बन रहा है आपको मैं आगे दिखाता हूँ, आए चेक करें। ये देखें, पहले इसमें बेसमेंट की छत डली है, बेसमेंट के बाद फिर अब ये ग्राउंड फ्लोर, और अब ये उसके ऊपर देखें छत डली है। अभी आधे की शटरिंग हुई है, आधे की बाकी है। ये तकरीबन अगर देखा जाए तो 850 गज के, अगर आप 5 फ्लोर कर लें तो आप समझें 4000 गज का यतीम बच्चों के रिहाइश का मरकज़ बन रहा है, और स्टेट ऑफ द आर्ट इसके अंदर सारी चीज़ें, बहुत बड़ा ये यतीम बच्चों की रिहाइश का मरकज़ बन रहा है। इसके सारे अखराजात मीर इरफान साहब जो फ्लोरिडा में मुकीम पाकिस्तानी है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, जेडीसी के ओल्ड एज होम जैसे होते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, वहाँ पर जो बुजुर्ग रहते हैं कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये किसी भी वजह से रोडों पर थे, परेशान हाल थे, बीमार थे, इनके लोगों ने इनको बच्चों ने घर से निकाल दिया था। आप ये तामीरात भी जब देखेंगे तो आप दुआएं देंगे, और मीर इरफान साहब को, इरफान वाइज साहब जी एफ एस के दिन में जगह दी है, इन दोनों को भी दुआ में याद।